बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाई हूँ आप साथ में। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की जात का लाख लाख शुक्र है कि काबा शरीफ की रौनकें बहाल हो गई हैं जी। लेकिन एयरपोर्ट के कुछ रौनकें अभी बहाल होना बाकी हैं, आपको पता है जी। अच्छा, इसी के मुतल्लिक आपको पहले बता दूँ मैं, एयरपोर्ट के ऊपर एक मैं जो अभी कॉल आई थी मुझे, उसके मुतल्लिक आपको बता दूँ, फिर मैं आपके साथ ये वीडियोस भी शेयर कर देता हूँ। भाई अभी एक दोस्त है मेरा, अभी एयरपोर्ट के ऊपर वेटिंग रूम में बैठे हुए हैं, पीए की टिकट ली हुई है, माशाल्लाह मुल्तान जा रहे हैं जी। तो वो बोल रहा था, मैंने उससे अभी कॉल आई थी, बातचीत हो रही थी, तो मुझको बोल रहा था कि यार एयरपोर्ट के ऊपर वो पहले वाला रश नहीं है, यानी कि आपको पता है जी इस वायरस के चलते हुए इतना रश नहीं चल रहा है। तो बहरहाल एयरपोर्ट्स की रौनकें भी अल्लाह ताला की ज़ात जल्द बहाल करे। और जो टिकटों के रेट हैं जी, उस बंदे ने कितने की टिकट ली, लाहौर की कितने की मिल रही थी, मुल्तान की कितने की मिल रही थी, इसके मुतलक भी जल्द आपके साथ की वीडियो शेयर कर दूंगा मैं, यानी कि सऊदी अरेबिया टू पाकिस्तान। अभी बात कर लेते हैं काबा शरीफ की, जो रौनकें माशाल्लाह बहाल हो चुकी हैं। रात से ये सोशल मीडिया के ऊपर भाई वीडियो वायरल हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि जी जो सोशल डिस्टेंस रखा गया था, यानी कि आप 1 से 2 मीटर के फासले पर एक से दूसरे बंदे के दरमियान में आप खड़े हो सकते हैं, इस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया है। और इस चीज़ के ऊपर जो स्टिकर वगैरह लगाए गए थे वो भी उतारे जा रहे हैं, और जो सेफ्टी लगाई गई थी। अच्छा, मैं यहाँ पर इसी वीडियो में आपको बताता हूँ कि आप हजरे अस्वद का बोसा ले सकते हैं क्या, आप खाना काबा के दरवाजे के साथ, जैसा कि पहले हम भाई जाकर लग जाते थे, अल्लाह ताला से रो रो कर दुआ मांगते थे, बहुत रश होता था, वो हो रहा है अभी कि नहीं? ऐसा होगा यानी कि अभी आपको पता है कि फुली तौर पर उमरा जायरीन उमरा कर सकेंगे, लेकिन क्या काबा के दरवाजे के साथ ये हजरत अस्वद का बोसा ले सकेंगे या नहीं? अभी तो आपको पहले तो ये वीडियो आप देखते गए भाई, जिसमें तमाम तर सेफ्टी उठा दी गई है, जो कि भाई मुकामी इब्राहिम से लेकर काबा के चारों तरफ लगाई गई थी, और उसके अलावा तमाम तर स्टिकर उतार दिए गए हैं। आप एक दूसरे, यानी कि एक बंदा दूसरे बंदे के बिल्कुल साथ खड़ा होकर अभी नमाज पढ़ सकता है काबा शरीफ और मस्जिद नबवी में, बिल्कुल ऐसा है जी। अभी बात कर लेते हैं, अगर आप भाई अभी की बात करें तो आप अगर उमरे के लिए जाना चाहते हैं या नमाज के लिए ही क्यों नहीं जाना चाहते हैं, तो परमिशन आपको अभी भी लेनी पड़ेगी। अच्छा, कुछ भाई मुझे कमेंट कर रखे थे कि भाई आपको अभी तस्री वगैरह की जरूरत, जी बिल्कुल तस्री की जरूरत होगी, आप तवक्कलना के थ्रू तस्री लेकर ही अभी भी जाएंगे, वैसे मत जाइएगा, आपको पकड़कर फाइन कर देंगे। उसके अलावा काबा शरीफ के दरवाजे के साथ और हजरे अस्वद के साथ बिल्कुल सेफ्टी लगाई गई थी, पहले बैरिकेड वगैरह, ये देख लेंगे फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये भाई उठा दिए गए हैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हजरे अस्वद का बोसा आप अभी भी नहीं ले सकते, उसके नज़दीक देखेंगे एक, आप देखेंगे उन लोगों ने एक जो खूबसूरत किस्म का, जिसे हम सेफ्टी बोल सकते हैं, वो एक रस्सी टाइप है जी, वो रखी हुई है, आगे बाकायदा शुरता खड़ा हुआ है, तो उसका बोसा आप अभी भी नहीं ले सकते हैं काबा के दरवाजे के साथ, अब आप अभी नहीं लग सकते हैं। लेकिन आने वाले कुछ दिनों में इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर, यानी कि इन चीज़ों को भी ओपन कर दिया जाएगा आम आवाम के लिए। तो अभी फ्लैट्स के मुतल्लिक अगर बात करें या इंटरनेशनल उमरा के मुतल्लिक बात करें, तो वो भी मेरा भाई दिल कर रहा है, आप यकीन करें मेरा दिल बोल रहा है कि जल्द इसके मुतल्लिक खुशी आने वाली है।